अतीक अहमद का परिवार उतना ही शरीफ है जितना कि वेलकम मूवी में राजीव का चाचा घुंगरू उसके लिए लड़की देखने जाता है जिसके घर से शराफत की नदियां बह रही होती हैं, उतना ही शरीफ है अतीक अहमद का परिवार। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परिवार में एक जना गैंगस्टर है बाकी सारे शरीफ है, ना, ये लोग खानदानी गैंगस्टर है, खानदान का नाम खराब नहीं करते। दादा गैंगस्टर, बाप का बाप गैंगस्टर, बेटा गैंगस्टर नहीं, यहाँ तो मम्मी पापा चाचा चाची बुआ भतीजी सारे गैंगस्टर हैं, यानी कि एक खानदान की जो एक रिवाज होती है उसको तोड़ा नहीं है। बेहद शरीफ खानदान है, बहुत बढ़िया खानदान है, शराफत की नदियां इनके घर से बहती हैं। अब उस नदी में चलिए हम भी हाथ धो लेते हैं और जानते हैं अतीक अहमद के पूरे कुनवे की कुंडली का कच्चा चिट्ठा। आखिरकार बेटे का, बेटी का, पत्नी का, आखिरकार कौन क्या क्या है, कौन कितने पानी में है, किसने अपने खानदान का नाम डुबोया है शराफत से, और किसने अपने खानदान का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया है हत्या करने से, मर्डर करने से, रेप करने से और समाज में दरिद्रता फैलाने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इनके नाम को बरकरार रखते हुए, विधायक जी के नाम को बरकरार रखते हुए, अतीक अहमद के नाम को बरकरार रखते हुए इनके खानदान की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कल अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, पांच बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद झांसी में एनकाउंटर में मारा गया है। अतीक अहमद का पूरा कुनवा क्रिमिनल है। अतीक अहमद के परिवार के आठ लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। नौ परिवार के सदस्य पुलिस के शिकंजे में हैं। इसी के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड में अब नया नाम सामने आया है और नया नाम है जैनब फातिमा का। ये है कौन? ये मोहतरमा है अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी, यानी कि पत्नी की जो बहन है वो भी क्रिमिनल बन चुकी है। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में दो और नाम जुड़े हैं और वो दो नाम है अतीक अहमद की बहन और उनकी भांजी के। दोनों ने असद अहमद को पनाह दी, उन्हें अपने घर में छुपाया। अब इन दोनों के ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके पूरे कुनवे की हिस्ट्री। दोस्तों, बात करें तो इन सभी गैंगस्टर्स के मुखिया की अतीक अहमद। अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनकर यूपी में पहले न्यायाधीश अपना ओहदा छोड़ देते थे ताकि अतीक अहमद के खिलाफ फैसला ना सुनाना पड़े। फूलपुर से सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सरकार ने खूब पाला पनोसा परोसा पाला पनासा और पनाह भी दी। वो अतीक अहमद जिसके ऊपर 102 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो अतीक अहमद जिसके ऊपर तीन बार गैंगस्टर एक्ट लग चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नाकामयाब सरकार के चलते तीनों बार वो एक्ट हट चुका है। वो अतीक अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो अतीक अहमद जो जेल में बैठे बैठे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रख चुका है, वो अतीक अहमद बात करें आज फूट फूट कर रो रहा है, खून के आंसू बह रहा है, पूरे खानदान की धज्जियां उड़ गई है, पूरे खानदान को खत्म करवाया है और केवल अतीक अहमद के चलते, जिसने अपने खानदान में ये रिवाज शुरू किया मारना पीटना धोखाधड़ी करना जान से मारना हत्या करनी अपहरण करनी, इसके चलते आज पूरा खानदान मिट्टी में मिल चुका है। दोस्तों, दूसरे यदि सदस्य की बात करें तो वो है अतीक अहमद का खुद का भाई अशरफ। ये अतीक अहमद के बाद ऐसा दूसरा सदस्य है इनके खानदान का जिसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज है, यानी कि तू शेर तो मैं सवा शेर, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुझे साथ लेकर, तू यदि इतने ज्यादा केस हैं तेरे ऊपर तो मेरे ऊपर कम कैसे हो। तो सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है, 52 केस दर्ज करवाए हैं अपने ऊपर। 1992 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बाद जेल हुई थी, लेकिन आज की स्थिति में अशरफ बरेली जेल में कैद है। आपको बता दें अशरफ एक ऐसा नाम है जो कई बार सांसद भी रह चुका है, अशरफ यूपी विधानसभा का सदस्य भी रह चुका है और उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अशरफ के उस बयान के बाद ये ज्यादा सनसनी में आया जब इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर बयान दिया कि यूपी पुलिस मुझे मारना चाहती है और दो हफ्ते के अंदर अंदर मुझे निपटा दिया जाएगा। अब निपटाया तो जा रहा है भैया, तुम्हारे भतीजे पहुंच गए हैं हूर में परियों के पास और तुम्हारे जो भैया हैं वो जेल में चक्की पीस रहे हैं, तुम कौन सा सही हो, तुम भी जेल में चक्की पीस रहे हो, तो निपटाया तो तुम्हें जा ही रहा है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात करें तो अतीक अहमद के दूसरे नंबर के साहबजादे हैं
जिसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम के साथ साथ 6 क्रिमिनल केस दर्ज है, यानी कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, पापा की तरह चाचा की तरह मैं भी नाम रोशन करूंगा। 6 क्रिमिनल केस दर्ज है। हालांकि इसके बावजूद साल 2022 में खुद सरेंडर कर दिया था और आज जेल में बंद है। इसके ऊपर आरोप है खुद के ही रिश्तेदार से 5 करोड़ रुपए की वसूली करने का और मारपीट करने का। आपको बता दें, बाप का खौफ दिखाकर लोगों के साथ मारपीट करता था, बाप से फोन पर बात करवाता था और करोड़ों की वसूली करता था। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद वसूली का जो सारा एक जिम्मा था, इनके पूरे खानदान का जो एक व्यवसाय था, फैमिली बिजनेस था वसूली करना। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद ये साहबजादे वो पूरा बिजनेस संभालते थे। दोस्तों, चौथे नंबर पर यदि बात करें तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। दोस्तों कहते हैं ना, एक पति के बनने या बिगड़ने में उसकी पत्नी का हाथ होता है, और यहाँ पर तो पत्नी ने पति के जेल जाने के बाद उसका अपराध का पूरा कारोबार संभाल लिया था। उमेश पाल के मुख्य आरोपियों में से एक है शाइस्ता परवीन, जिसके ऊपर भी सरकार ने इनाम रखा हुआ है। हालांकि फिलहाल पुलिस धरपकड़ की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पुलिस की पकड़ में नहीं है। आपको बता दें, इसके ऊपर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले इसी औरत ने सभी शूटर्स के साथ मुलाकात करी थी, सभी को ऑर्डर भी दिए थे, और इस पूरे जब हत्याकांड की प्लानिंग हो रही थी तो यही औरत थी जो अतीक अहमद से जेल में मिलने गई थी और इस पूरे हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया था। तो देखा आपने किस तरीके से एक औरत जो घर को बनाती है और बिगाड़ भी सकती है। तो बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पति के जेल जाने के बाद पूरा जो मौत का धंधा था, अपराध का कारोबार था, वो इन मोहतरमा ने संभाला है। 1996 में शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद का निकाह हुआ था। 5 सपूत हैं इनके, 2 बाल सुधार गृह में हैं, 2 जेल में हैं और तीसरे अल्लाह को प्यारे हो गएंगे। वाह क्या औलाद पैदा करी है, मुझे तो हंसी आती है ऐसे माता पिता पर। काश थोड़ा सा परहेज किया होता, थोड़ा सा पूजा पाठ किया होता, थोड़ा सा कुछ तंत्र मंत्र विद्या पढ़ी होती तो ऐसी औलादे पैदा नहीं होती, थोड़ी अच्छी औलादे पैदा होती। खैर क्या करें, जैसी संगत वैसी रंगत। अब पिता ही अपराध करते थे तो बच्चे कहाँ से डीसी बन जाएंगे, बच्चों को भी अपराधी ही बनना था। दोस्तों, 5वें सदस्य की यदि बात करें तो वो है मोहम्मद उमर। ये अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा है। इसके ऊपर 2 क्रिमिनल केस दर्ज है। कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में ये जेल में बंद है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने इसके ऊपर धारा 147, धारा 149, धारा 229, 364A, 386, 294, 411, 420 के तहत आरोप तय किए थे। अमर अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। 2 लाख रुपए की इनाम की घोषणा के बाद साल 2022 में इसने सरेंडर किया था। साल 2017 से पिता के जेल जाने के बाद इसने अपना पूरा कारोबार संभाला था और सारा आपराधिक, जितना भी आपराधिक इनका कच्चा चिट्ठा था, वो अपने जिम्मे ले लिया था और अपने फैमिली बिजनेस को इन्होंने खूब बढ़ावा दिया। दोस्तों, 6ठे सदस्य की यदि बात करें तो वो खुद असद अहमद है, अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा। अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा, जिसे कल ही UPSTF स्टाफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो फरार था, कल ही पुलिस ने इसे मार गिराया है। इसी साल लखनऊ के टॉप स्कूल से 12वीं पास करी थी। लॉ करने का सपना था, विदेश जाने का सपना था, लेकिन क्रिमिनल बैकग्राउंड के चलते विदेश नहीं जा पाया, पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया। आपको बता दें, इसी साल लखनऊ में गुड्डू नाम के एक बम्बार के संपर्क में आया था, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड का ताना बाना बुना और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, 6ठे आरोपी की यदि बात करूं तो वो है आयशा नूरी, और ये है अतीक अहमद की बहनिया। उन बहनिया ने गुड्डू मुसलमान और असद अहमद को पनाह दी थी और उन्हें आर्थिक तौर से सहायता भी करी थी, जिसे लेकर अब उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आयशा नूरी का पति अखलाफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर आरोप है गुनेगारों को पनाह देने की और उनकी आर्थिक मदद करने की। तो यहाँ पर भाई तो क्या, बहन भी नहीं बच रही है। बहन तो होती है, चलिए शादी के बाद अपना घर बसा लिया, लेकिन यहाँ पर उस बहन को चैन नहीं है, अपराधियों को पनाह दे रही है, पैसे दे रही है और पाल रही है, खिला रही है। हालांकि फिलहाल दोनों ही पुलिस के शिकंजे में है। पति गिरफ्तार हो चुका है और पत्नी के खिलाफ
केस दर्ज भी हो चुका है। दोस्तों सातवीं सदस्य की यदि बात करें तो वो है अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। उसके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और फैक्ट छुपाने का आरोप है। उसके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है, जिसे लेकर राहत पाने की लालसा में जैनब फातिमा ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब जैनब फातिमा को डर है कि कभी भी उसे पकड़ा जा सकता है, जिसे लेकर वो डरी हुई है और पुलिस कभी भी उससे पूछताछ कर सकती है। दोस्तों आठवें सदस्य के बारे में क्या ही बताएं, इसमें दो सदस्य इकट्ठे आ जाते हैं और मैं बात कर रही हूं अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों की, जो इस वक्त बाल सुधार गृह में पड़े हुए हैं और सजा काट रहे हैं। दो छोटी उम्र के बच्चे जो अपराध की दुनिया में ढकेल दिए जाते हैं और आज जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए और अपने फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, आज वो बाल सुधार गृह में सजा काट रहे हैं। तो ये है अतीक अहमद का पूरा परिवार। खुद अतीक अहमद, उनकी पत्नी, पांचों बच्चे, भाई, भाई की पत्नी और खुद की बहन, यानी कि पूरा खानदान अपराध में लैस है। तो ऐसे खानदान से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगी। और जैसा कि यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है, इन सभी को धर पकड़ा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। अतीक अहमद के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता लगे कि आखिरकार अतीक अहमद की फैमिली कितनी ज्यादा शरीफ है, कितनी ज्यादा इज्जतदार है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।